सोम जो है उसमें हमें हर साल अपने जिस्म को रीबूट करने का मौका मिलता है, जिसमें कि जो साल भर में हम नापसंदीदा चीज़ें मुरगन गज़ाएँ खाते हैं उनका जिस्म को छुटकारा, उनके जो बाकी असरात हैं मुज़र उनसे छुटकारा हासिल करने का हर साल में एक बार एक महीने के लिए मौका मिलता है। तो इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। इस मौके से हम ये फ़ायदा भी उठा सकते हैं कि जिन लोगों का वज़न बढ़ा हुआ हो उस वज़न को कम किया जा सकता है। रोज़े के जहाँ रूहानी और मजहबी फ़वाद हैं वहाँ इसके जिस्मानी फ़वाद भी बहुत हैं। ये वज़न कंट्रोल करने में मदद कर सकता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर करने में मदद कर सकता है, जो पुराने अमराज हैं जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर अगर वो अच्छे कंट्रोल में हो और बहुत ज़्यादा पेचीदगियों के साथ ना हो तो उनके कंट्रोल में भी रोज़ा जो है वो मदद कर सकता है। हाँ, इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि मौसम की शिद्दत जो है उसके मुताबिक जो पुराने अमराज वाले लोग हैं वो अपने मालिज के मशवरे के साथ रोज़ा रखने या ना रखने का फ़ैसला करेंगे। वज़न कम करने के लिए ख़ास तौर पे रमज़ान का महीना बहुत अच्छा साबित हो सकता है। गर्मियों का रमज़ान और भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि गर्मियों में नेचुरली हमारे जिस्म का ज़्यादा वज़न छटाना आसान होता है। तो खुराक को कंट्रोल करें, सहर और इफ्तार के औकात में फालतू गज़ा ना खाएं। हम जो हैं वो आजकल बहुत भारी मुरगन गज़ा खाते हैं, समोसे पकौड़े जो तेल में तेज़ नमक के साथ ज़्यादा चीनी के साथ चीज़ें, तो उससे होता यह है कि जो आपके जिस्म पे पॉजिटिव असरात होने थे वो उल्टे नेगेटिव असरात हो जाते हैं। आप एक बीच में फाके का वक्फा गुजारते हैं और उसके बाद अपने जिस्म को उन्हीं नापसंदीदा चीज़ों से दोबारा भर लेते हैं जिनसे इन द फर्स्ट प्लेस बचना चाहिए। तो इस महीने को आप इसलिए ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप अपनी सेहत बेहतर करें। हल्की फुल्की वर्जिश भी अगर इसके साथ जारी रखी जाए तो वो आपके जिस्म पे जो पिछला चढ़ा हुआ वज़न है उसको छटाने में भी मदद करेगी। तो रमज़ान के रोज़े जो है वो खुश खुशू से रखें और उनसे रूहानी फ़वाद के साथ साथ जिस्मानी फ़वाद भी हासिल कीजिए। बहुत शुक्रिया।